मतलब आज छोड़ के चला गया। और भाई माशाल्लाह हमजा भाई आपने तरक्की कर ली यार, हम लोग तो 5 मिनट के लिए गए थे। या मरहबा या अहला व सहला व लुकमतुल जमीला। और गाइस ये देखें मीर फुल ट्रॉली अपनी भर के बैठा हुआ है अभी तो। और तो गाइस आज की शुरुआत होती है हमारी अंडे से, ढीम से। ढीम बनेगा या नहीं बनेगा? बन गया फिर आज का दिन खाना। गाइस इसने ढीम बना ढीम मीन अंडा एग। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वो आफिया से होंगे। अच्छे आप जितने भी नए लोग कहने में, जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी आज का व्लॉग हमारा यहीं से शुरू होता है जैसे रोज ही शुरू करते हैं, बस ये देखें मौसम देखते रहें और बस इंजॉय करते रहें, बस और क्या होता है जिंदगी में। तो खैर आज के दिन हमें काम तो बहुत सारे करने हैं, तो वो सारे करते हैं। फिलहाल पानी की टंकी जो ना मैं इसको फुल कर रहा हूँ, ये फुल हो जाए फिर जो ना हम लोग बाहर निकलेंगे। घर की सफाई भी चल रही है, तो घर की सफाई वफाई करके ना आज हमने कहाँ जाना है भाई, आज हमने जाना है इम्तियाज़ की तरफ। तो इम्तियाज़ चलते हैं घर के लिए, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ करके आते हैं, फिर जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्या बोल रहे हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो। और हमजा कैसे हो? सलाम करो। आप कैसे हो? तो भाई अभी हम इसको छोड़ेंगे ट्यूशन पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इम्तियाज़ पे। और आज हमजा के लिए सरप्राइज है। नहीं अभी आपके साइकिल आने वाले भाई, इसके लिए न्यू ब्रांड न्यू साइकिल आने वाले। वे वे ओ मक्खी 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 कहाँ जा रही हो? इधर इधर आओ इधर आओ, इसके काम मीर यार नहीं करो, एक मिनट मैं आपको बिठा दूँ। तो गैज अभी हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़ की तरफ, और यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे मदरसा है, वहाँ पे हमजा को कुरान के लिए छोड़ के जाते हैं और फिर वापसी पे आके इसको ले लेंगे। हम लोग भी हमें भी एक घंटा लगेगा इंशाल्लाह। तो गैज फाइनली हमने इम्तियाज़ ढूंढ लिया, और इम्तियाज़ को देख के हमारी आंखों से आंसू निकल आए। मीर और इसकी मम्मा ये रही। ओए 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 ओए। तो अभी कितने दिनों के बाद हम लोग इम्तियाज़ हैं, और यहाँ की खुशबू ही अलग है, कराची की याद आ गई। वहाँ पे तो हर घर के पास होता है, यहाँ पे हमें 18 से 20 किलोमीटर करके आना पड़ा है यहाँ पर। जी जी मीर क्या कर रहे हो? मीर अपना काम कर रहा है भाई। मीर वही मीर के काम देखो भाई। चलो आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुको वापस। एक मिनट मम्मा का है, मम्मा का है मीर, मीर मम्मा का है। ये देखो यार ये तंग करेगा अभी, चुप। ये सारे बिस्किट वगैरह यहाँ हटाने बच्चों के लिए, ताकि एक ही बार लेकर रख देंगे वहाँ पर। अभी गैज हमें जो ना चीनी ढूंढनी है। चीनी का है भाई, कोई चीनी का है, चीनी नहीं नहीं हमजा कुछ नहीं कर रहा, हमजा कुछ नहीं कर रहा अभी, हमजा मीर कुछ नहीं करेगा भाई। ठीक है मीर चुप रहना, बोल रहे हैं अभी उठा लेंगे मीर को। तो गैज जो मैंने फ्रिज ली थी ना वो ये वाली थी 85,000 के, और यहाँ पर भी उतनी की है, वहाँ पर भी इतनी की, कोई फ़र्क तो नहीं है ज़्यादा, मतलब सही मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह से जी। तो वे अभी इसको चीज़ खोल के देना, अभी चुप करके टॉफ़ी भी खा रहा है और बैठा हुआ भी है, जब तक हम लोग अपना सामान वगैरह ले लेते हैं यहाँ से। और गैस ये देखें मीर फुल ट्रॉली अपनी भर के बैठा हुआ है अभी, तो और भी सामान लेना है मीर। तो अभी शॉपिंग सारी कर ली और अभी बाहर निकलने लगे, तो पता लगे बारिश हो रही है, मेरी वाइफ को मैंने वहाँ पर खड़ा किया। अभी चलते हैं हम लोग अपनी बाइक लेकर आते हैं। भाई साहब भागो भागो मीर भागो, भागो भागो, और बाइक के जरिए फिर सामान लेकर चलते हैं घर वापसी। तो अभी हमारी बाइक हो गई है पंचर, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठ कर लगवा रहे हैं पंचर। कैसे मीर मम्मा का है ले गया? हाँ ठीक है। अभी भाई मैं पंचर लगवाने गया था, मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा, और ये देखो ये रो रही है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हुआ क्या था पहले ये तो बताओ। तो मैं लगा आज छोड़ के चला गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरे चलो चलो अभी घर चलते फिर बाप। तो भी हम लोग घर पे। ओ भाई साहब हेलो, ये मैं लेके आया हूँ कि आपको एक एक दूंगा डेली का, ये नहीं के। हाँ हमजा, ओ भाई, ओ हेलो जी, ये क्या करे जी? भाई साहब हमजा ये रख दो, ये रोज का आपको थोड़ा थोड़ा सा मिला करेगा बस जी। बाबा ठीक है भाई, ठीक है बाबा। तो भाई साहब अभी पेश जी जी बाबा, एक मिनट मीर ये देखो, भाई साहब ये देखो मीर की न्यू, ओ हमजा की न्यू साइकिल भाई साहब। अरे भाई साहब ओवर एक्टिंग, चुप करो, सारे दिन ओवर एक्टिंग करता है ये तो, इसके 5 रुपए कट ओवर एक्टिंग के, कट कट। और भाई माशाल्लाह हमजा भाई आपने तरक्की कर ली यार, हम लोग तो 5 मिनट के लिए गए थे और आपने ये क्या कर दिया भाई साहब। और भाई ये देखो भाई साहब, ओ भाई साहब हमजा आराम से उसका पाँव आ जाएगा आराम से, आराम से। ये तो गया गोली की स्पीड में, गया गिर रहेगा छोटा वाला।
वो मीरू को देखो। और भाई ये देखो हम जरा पूरा शपाटर बना हुआ है भाई यहाँ पर। बोल रहा हूँ आराम से चलाओ आराम से चलाओ। वो देखो एक टायर उठा हुआ है, गिर सकते कभी भी। ये तो भाई रुक 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 मीर रुक जा, हमजा। अभी इसके जो ना वो देखें आइडियाज देखें कि भाई क्या करूंगा क्या नहीं। हाँ भाभी बताओ डेली क्या करोगे? अभी ये साइकिल आ गई है ना, हाँ इसको बाहर निकालूंगा, पैर खिलाऊंगा, फिर जूती पहनूंगा, सही है, वो बादल से इस पर जाऊंगा, ठीक है, इस पर। वाह यार वाह। और गैस ये चेक करिए, ये सामने मौसम चेक करो यार, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जितना बड़ा है। जी जी बहुत प्यारा मौसम बना है इस टाइम पे, सब वॉक कर रहे हैं सब कुछ। जी अभी टाइम इतना नहीं हुआ लेकिन जना वेदर ऐसा बन चुका है ना कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी इस टाइम आपको पता है 26 पे चल रहा है वेदर, यहाँ पे 26 पे चल रहा है इस टाइम गर्मी। मीर काटी कर रहे हो? आपने की है काटी? वे झूठ बोलते हो किया होगा किया होगा, आप झूठ बोल रहे हो। चलो अच्छा ले जाओ ले जाओ, चलो जाओ ले जाओ। जी भैया झूठ बोलते है? वाह यार मीरू तो बोलना सीख गया माशाल्लाह। हाँ ठीक है जी, थोड़ा ले जाओ, थोड़ा सा राउंड दिला दो फिर मैं उसको ले जाऊंगा अंदर। जो छोटा सा राउंड दिला दो, जो ऐसे गाड़ी से घुमा फिरा के ले। हाँ ठीक है चल जाओ, ठीक है जाओ। ये देखो भाई चलो इनके मजे लग गए अभी यहाँ पर, सही है इंजॉय करेंगे अभी। तो भाई अंकल आ गए दूध वाले, अभी चलते हैं दूध लेके भाई। मीर का काम देखे। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? दूध दियो। नहीं चलो। तो गैस अभी मैं जा रहा हूँ फ्रिज का जो ना स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि वो मूव करती रहती है ज़्यादातर, और यहाँ से भी पता है करीब में ही है। चलते हैं, हमजा को साथ लेके जा रहा हूँ, हमजा पीछे स्टैंड पकड़ेगा। मैं चाहता हूँ कोई स्टैंड मतलब व्हील वाले लेते हैं ताकि मूव भी कर सके। सब मैं जा रहा था तो मुझे ना हल्की हल्की ठंड लग रही थी, मतलब अच्छी खासी ठंड लग रही थी इस टाइम पर ना, क्योंकि बाइक पर जाओ ना तो अच्छी खासी लगे। तो हमजा बोलता मुझे लगे, मैं बोला आगे बैठो फिर लगेगी, बोलता बैठाओ। अभी मैं इस बाद में पूछूंगा कि लगे कि नहीं लगे। फुल ठंडा मॉल हुआ, चिल मॉल हो गया। तो गैस अभी हम लोग आ गए स्टैंड लेने के लिए, बाकी पहले भी सामान यहीं से ही लिया था। वो देखो वैसी कुर्सियाँ और पीढ़ियाँ दो और भी बाद में ले लेंगे। यार हमें सोफ़े लेने थे, सोफ़े भी नहीं ले पाए, बस ये है कि आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया। तो खैर कोई बात नहीं भैया, ये क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो हमजा? ये क्या कलर? ये सारे गीजर हैं, ये सर्दियों में काम आएंगे, सर्दियों में लगाएंगे, यहाँ से ले लिया आएंगे। गर्मी कर देते हैं, पानी गर्म करते हैं, हीटर है, पानी गर्म करते। वो फिर बाद में दिखाऊंगा जब लगाएंगे ना। तो भाई यहाँ पर हमने ना ये ले लिया फ्रिज के लिए, ये हमें पड़ा है कोई 1400-1500 रुपये का पड़ गया। तो भाई हमजा आपकी साइकिल यहाँ पर कैसे आ गई? भाई ये देखो आपकी भी यही थी ना? नहीं अरे यार यही थी, मैं तो बोलता हूँ। हाँ एक बात है कि उसके टायर थे साइड से। हाँ नहीं मुझे तो लगता है जब बारिश आएगी ना वो सर्दी आएंगे। ठीक है चला जाए। तो अभी यहाँ पे हमें एक मार्ट दिखा है, हम लोग यहाँ से एक घर के लिए एग वगैरह और ये भी लेके चलते हैं। चल आइसक्रीम नहीं, चल सारे दिन आइसक्रीम वगैरह। चल चलें जी। तो आज मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज आपकी छुट्टी है, कुकिंग से तो आज कुकिंग करूँगा मैं, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था आलू का सन खाने। मेरी वाइफ वालों को आलू का सन अच्छा ज़्यादा लगता नहीं है, तो ये दिल से बनाते भी नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने अंडे को इधर उबाल दिया और आलू का सन बना के उसके अंडे डाल दूँ, बता के ये लोग अंडे खा लेंगे। आलू इज़ माय फेवरेट, एनी टाइम एनी वेयर एवरी वेयर, जिसे बोलते हैं ना हर जब भी बोलो अंडा आलू मैं खा लूँगा, तो वैसे ही सीन है। खैर मैं अभी आलू का सीन ऑन करता हूँ, पहले ना चूल्हे को ऑन कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह या मरहबा, जल गया? हाँ जल गया ना। कोई मुश्किल नहीं होते, बस ये है कि
दिल से बनाओ, मतलब कोई भी खाना बनाना भले आप उसके अंदर पानी भी डाल दो ना, सिर्फ दिल से बनाओ तो अच्छा बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ना ये डालो वो डालो, ये करो वो करो, सीखो ये नहीं, बस दिल से बनाओ, भले पानी डालो खरबूजा डालो जो डालो, बस अच्छा जब बनाते। बातें कम हो जना, अभी सबसे पहले क्या करें, घी डाल दे, पानी डाले घी डाल दे। यार इतना घी मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, महंगा हो गया ना, तो मैं तो अपने हिसाब से डालूँ थोड़ा ही काफ़ी। और गैस ये हमारे टमाटर प्याज मिर्ची और जो है ना ये हो गए आलू, और गैस ये हो गए आलू टमाटर मिर्ची और धनिया वगैरह सब कुछ कटा हुआ है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर, ऑयल गर्म है तो इसके अंदर या अल्लाह तेरा आसरा। तो अभी जो है इसके अंदर ना प्याज वगैरह डाल दिया, अभी इसको ब्राउन होने देते थोड़ा सा, फिर दूसरे काम करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे प्याज जो है ना ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं, तो अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई साहब, टमाटर वगैरह डाल लेते हैं, मसाले वगैरह। सबसे पहले भी अल्लाह का नाम लेकर हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर प्याज मिर्ची सब कुछ। बिस्मिल्लाह। अरे भाई साहब ये तो डाल के अभी मिक्स भी कर रहा हूँ, अभी क्या करना है इसके अंदर, हाँ अभी इसके अंदर मसाले वगैरह डाल देते हैं सारे। तो अभी ये आ गई हमारी मसाले की डब्बियाँ, अभी एक एक करके ना, लेकिन मैं अच्छी बात पता क्या है, आए है ये देखो ऐसे करो खुल जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, हल्के हल्के से डाली, ज़्यादा नहीं डाले, अभी इनको मिक्स करते हैं। तो अभी मसालों को थोड़ा सा अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद नहीं उसके बाद जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग आलू। तो अभी जो ना ये देखें, ये सीन हो चुका है, ग्रेवी मेरे ख्याल से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट बन चुकी है। अभी हम लोग इसके क्या कहते हैं, आलू और जो ना वो जो पानी है ऐड कर देते हैं। तो अभी आलू और पानी मैंने डायरेक्टली डाल दिया, मैंने बोला डायरेक्टली चले जाएँ, चलो सही है, चलो दोनों खुश हो जाएंगे। आए यहाँ पर तो अभी यहाँ पर जो ना ये देखें, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, अभी फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे और इसको 20-15 मिनट के लिए छोड़ दें, 20-25 मिनट के लिए, ताकि ये सही से, और मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो पानी थोड़ा सा इसके अंदर और डाल देते हैं, ताकि ये सही से ना गल जाए। हाँ भाई आप थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि ये जो ना सारे इसके अंदर भिगो जाएंगे ना तो सही सही होंगे, और फिर जो ज़्यादा होगा ना क्या बोलते हैं ये पानी वगैरह, तो उसको हम बाद में निकाल लेंगे, निकालने से मतलब ये ढक्कन हटा लेंगे तो आग दे देंगे ज़्यादा, तो फिर ये उड़ जाएगा, बस यही है। चलो भी समझो ऑलमोस्ट हमारा खाना तैयार हो गया, यही होता है यार, बहुत ईजी। चल बेटा थोड़ा सा तुझे कम कर लूँ, बॉयल हो चुके हैं, अभी जो ना बारी है इसके अंदर एग डालने की, और इनको अभी काटा जाए, बा खुदा आलू को बीच में से काटा जाए, अंडे आलू नहीं हाँ अंडे को काटा जाए, 6 अंडे को काट दिया जाए, और काट दिया जाए इनको आपस में, और काट दिया जाए, नहीं नहीं फिर वो खींचे कीमा बन जाएगा। तो अभी बारी अभी इसके अंदर एग रखने की, रख दिया जाए, प्यार से रखो जाए, जैसे भी रखो वैसे भी इसके अंदर मिक्स करेंगे बाद में, ऐसे ऊपर से फेंक दो डुन डुन डुन। चलो भी एग रख, इतनी देर हो गई एग नहीं रखा जा रहा भाई। अब इसके ऊपर डालते हैं गाइस धनिया, या मरहबा या अहला वसहला वलुकमतुल जमीला, डाल दे भाई। और सारी मेहनत मेरी है ये मैं बता दूं, तुम्हारी किसी की मेहनत है इसके अंदर, आपकी किस चीज़? टमाटर प्याज काट के दिए थे ना, बस वही है थोड़ी सी, बस 5 रुपए ले लेना अपने, तो ये ना शो नहीं करो यहाँ पर। अभी गाइस को 5-10 मिनट जो ना क्या बोलते बंद कर देते हैं, फिर जो ना बस सारा तैयार है ना हमारा, बस रोटी बनाओ और खाएं फिर। गाइस यहाँ पर मेरी वाइफ ने जो ना देखें कितनी प्यारी सी एक सैलड बना दी है, सैलड बहुत ज़बरदस्त, मैं जैतून लाया था तुमने डाला इसके अंदर, मेरे ससुर जो है सौदिया में ना सैलड खाते जैतून डाल के, कुलवंजी और वो, तो मैंने इसको बोला कि भाई जैतून मैं लाया हूँ, डालेंगे इसका ऑयल और फिर मज़े बन जाएंगे। तो फाइनली गाइस अभी हमारा सब कुछ ना रेडी हो चुका है, अभी हम लोग खाएंगे खाना और ये सैलड है। अबे भाई जैतून ले आओ यार, डाल दिए। तो गाइस का जैतून का ऑयल डाल दिया, लेमन छिड़केंगे इसको, जब मिक्स करेंगे ना बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके अंदर बस काली मिर्ची और ये ऐसे काट के डाल दें, जैतून और ऊपर जो लेमन डाल दें, वो क्या ज़बरदस्त बनती है। आप जैतून से मतलब जैतून का जो ऑयल होता है वो डालें, फिर आप देखें कितनी मज़े की बनती है, और थोड़ी सी कुलवंजी हो ना कल मैं ले आऊँगा वो और भी अच्छी। चलिए ये तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की ट्रेन थी आपके साथ में शेयर की थी, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमजा की न्यू साइकिल आई थी, घर पे खाना बनाया था, और क्या था भाई, इम्तियाज़ गए थे ग्रोसरी करनी थी, देखना भी था कि वहाँ पर क्या सीन है, तो मतलब सही है जैसे वहाँ पर था वैसे ही रेट यहाँ पर थे, तो मुनासिब रेट थे। तो ये है कि बंदा अगले महीने नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम अपनी कार बनवा लेंगे ना, तो एक ही बार जाए वहाँ से पूरी कार भर के ले आए, एक अपने महीने के हिसाब से, तो एक ही बार जाना पड़ेगा वो भी बेहतर है।
तो सही है। और दूसरा मेरी वाइफ की रहती है भाई, रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो हमारी जो ना बाइक की ट्यूब भी फट गई थी, मतलब जैसे ही पहले हमें इंटर होने ट्यूब फट गई, और वहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर जो ना जाके वो पंचर वाला मिल गया। फिर पंचर वाला मिला तो उसके पास ट्यूब नहीं थी, वो बेचारा अब गया कहीं से, वो बाइक दूसरी पर गया और ट्यूब लेकर आया, फिर इसके ट्यूब डली। फिर मैं वहाँ से यार मैं अपना मोबाइल इसी को दे कर आ गया था जिसका नेट वगैरह चल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं लेट, मुझे लगा कि बस 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन भाई आधा पौना घंटा लग गया। तो ये पीछे खड़े थे, ये डर गए कि भाई रास्ता भूल गया था, क्योंकि लोकेशन पर हम लोग चलते ना यहाँ पर ज़्यादातर, ज़्यादा रास्ते पता नहीं। खैर अभी तो अच्छे खासे बचा गए, फिर भी लोकेशन पर चलते हैं, तो इसे लगे सर मुझे छोड़ के चले गए मैंने क्या से क्या, तो यही इस वजह से डरी हुई रो रही थी। तो खैर जो है अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा दिन भी गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।